Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to perform another equation which is related with ion electronic method. ये भी with respect to exam point of view काफ़ी important chemical equation है. वजह क्या है, ये आपको step वन में समझ में आ जाएगा. तो पहली बात तो ये कि this equation is in ionic form, क्योंकि इसमें पहले से reactant product side पर ions मौजूद हैं और इसकी जो nature है, medium कौन सा है, basic, क्योंकि इसमें OH negative ion है. पहले स्टेप में क्या होता है, कन्वर्ट मॉलिक्यूलर इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म, ये पहले से आयनिक फॉर्म में, एंड ओमिट बाहर निकाल देंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, वाटर एंड अनरिएक्टेड सॉल्ट. तो इसमें से OH बाहर गया और वाटर गया. जब इक्वेशन को हम स्टेप वन करते हैं तो देखिए हमने Cl2 बचाए और यहाँ पर बचा Cl माइनस वन एंड ClO3 माइनस वन. इससे पहले मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि इस तरह की इक्वेशन आ सकती है, या पहले भी इस तरह की इक्वेशन होगी, हमेशा दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बचेंगे, एक भी बच सकता है. वो इक्वेशन आ चुकी है जिसमें एक रिएक्टेंट बच गया. अब ये क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन की इक्वेशन भी हो सकती है, ठीक है. तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट, तो घबराने की नहीं हो रही. सबसे पहले घबराना नहीं है और इक्वेशन को ब्रेक करना है दो पार्शियल फॉर्म में. हमने क्या करना है भाई, ये जो एक रिएक्टेंट है इसको दोनों जगह पर लिख दो, Cl2 और एक प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस वन, एक प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा ClO3 माइनस वन, ठीक है. और अगर एक प्रोडक्ट होता तो उसको दोनों जगह पर लिख देते पार्शियल स्टेट के अंदर. अब इक्वेशन ब्रेक कर दी हमने दो पार्शियल फॉर्म में. अब इस पार्शियल फॉर्म में ब्रेक करने के बाद इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. दो क्लोरीन बैलेंस, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन बैलेंस. सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करेंगे. वजह क्या होगी, स्टूडेंट इस इक्वेशन में डायरेक्ट जाता है ऑक्सीजन बैलेंसिंग में. पहले कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करते, हमेशा एलिमेंट्स बैलेंस करते हैं बाय यूजिंग कोएफिशिएंट. एलिमेंट बैलेंस कर ली हमने. अब इसका चार्ज बैलेंस करेंगे, जीरो माइनस टू, जीरो बढ़ाए माइनस टू से कितना, टू टाइम्स. तो सिंपल इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर देंगे. लास्ट इक्वेशन से बता चुका हूँ आप लोगों में, जिस साइड पर जितना चार्ज ज्यादा होता है वहां पर उतने ही इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दी जाती है. अब इस इक्वेशन में सेकंड में सबसे पहले हम बैलेंस कर लिया हमने एलिमेंट को, क्लोरीन को, बाय यूजिंग कोएफिशिएंट. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये बेसिक मीडियम है. अगर एक साइड पर ऑक्सीजन की कमी हो तो जिस डेफिशिएंट साइड पर, यानी जिस साइड पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर डबल OH ऐड करेंगे और उसके अपोजिट साइड पर हाफ वाटर. कितने ऑक्सीजन है, सिक्स, तो सिक्स ऑक्सीजन है तो हमने 12 OH ऐड कर दिए और उसके अपोजिट साइड पर हम ऐड कर देंगे हाफ वाटर, मतलब 6H2O. बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस की बारी आती है. चार्ज बैलेंस जीरो माइनस वन होता है OH पर, तो माइनस 12 हो गया, माइनस 12, माइनस टू, माइनस वन है इस पर तो माइनस टू, प्लस जीरो माइनस टू, माइनस 12 माइनस टू से कितना टाइम्स, माइनस टू, माइनस 12 से 10 टाइम बढ़ा है. तो सिंपल क्या करेंगे, Cl2 प्लस 12 OH कन्वर्जन इंटू 2ClO3 माइनस 1 प्लस 6 वाटर. और हमने यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दी. इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब ये होता है कि चार्ज माइनस कर दिया. एक साइड पे रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये है रिड्यूस फॉर्म. रिड्यूस फॉर्म लिखें या रिडक्शन लिखें एक ही बात है. और एक साइड पे प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म, ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है. अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए. यहाँ पर लिखे हुए 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखे 2 इलेक्ट्रॉन. बहुत आसान सी बात, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय 5, देन ऐड इन इक्वेशन नंबर 2. जब 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन के कोएफिशिएंट सेम 10-10 हो जाएंगे. तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इक्वेशन 1 इंप्लाइज 5 क्लोरीन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन इनटू 10 Cl माइनस 1. इक्वेशन 2 को एज इट इज के नीचे लिख देंगे. इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या लिखा है, Cl2 प्लस 12 OH माइनस 1 कन्वर्जन इनटू 2 ClO3 माइनस 1 प्लस 6 वाटर प्लस 10 इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना लाजमी है, ये शो कर रहा है कि हमने इक्वेशन बिल्कुल सही किया, ठीक है. अब जो रिटेन साइड पर है उसको रिटेन साइड पर लिख दें, जो प्रोडक्ट साइड पर उसको प्रोडक्ट साइड पर. इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, 5 क्लोरीन 1 क्लोरीन, तो ये लिख दिया 6 क्लोरीन प्लस
12 OH कन्वर्जन इनटू 10 Cl-1 + 2 ClO3-1 + 6 वाटर। क्योंकि इक्वेशन पहले से आयनिक फॉर्म में थी, लिहाजा इसको वापस मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की जाती है कि आप लोग इस तरह की इक्वेशन फाइनल में जरूर सॉल्व कर लेंगे। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हो सकता है कि इक्वेशन में एक साइड पर रिएक्टेंट एक हो या एक साइड पर प्रोडक्ट एक हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर रिएक्टेंट एक है, जिस तरह हमने रिएक्टेंट को दोनों के साथ एक एक बार लिख दिया, हम प्रोडक्ट अगर एक होगा दोनों इक्वेशन में, पार्शियल इक्वेशन में एक एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी होती है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।